हो गई है सुबह बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ में। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, मैं अभी बस सो के उठी हूँ, मैंने देखा बहुत बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है बाहर का। चलो अभी से यहीं से शुरू करते हैं अपनी फिटनेस लाइफ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सुबह उठने के साथ ही क्या पीती हूँ। अपनी चाय, अगर चाय को बोला जाए तो चाय इतना हेल्दी नहीं होती है। आप सुबह उठते के साथ ही जो चाय पीते हैं वो उतना हेल्दी नहीं होती है, पर मैंने बोला था आपको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप एक होता है ना नहीं हो पाता है, तो मैं इस तरीके से मेरी चाय बनाती हूँ। बिल्कुल उसमें ना के बराबर शुगर डालती हूँ और मैं मिल्क भी ये स्लिम मिल्क यूज़ करती हूँ, ताकि बस ये इसलिए कि मैं 2-3 सिप ऐसे पीती हूँ तो थोड़ा मेरा दिमाग खुल जाता है। और ये मेरी आदत बचपन से पड़ी हुई है और मुझे चाय सुबह उठते के साथ ही चाय मुझे चाहिए ही चाहिए। चाय इतनी बुरी नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, पर हाँ शुगर बहुत एक होता है ना, ज़्यादा शुगर ज़्यादा चीज़, तो मुझे लगता है कि मैं पूरे दिन में अभी इस वक्त जो शुगर ले रही हूँ इतना सा बस मेरा वही शुगर इनटेक होता है पूरे दिन का। तो बस अभी मेरी चाय बन गई है। जो डाइट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो आगे वर्कआउट बताने वाली हूँ, वो तो एक अलग चीज़ है, वो मैं एक बहुत ही सिस्टमेटिकल करने वाली हूँ। पर अभी आज ये मेरी सुबह है, इसमें मैं रिलेट मत करिएगा आप लोग कि मैं जो कर रही हूँ ऐसा, ये तो बहुत नॉर्मल है, तो सभी करते हैं चाय वाली से। मगर बाकी की चीज़ें, बाकी मैं जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने शुरुआत की है उनके लिए मैं आपको बताऊँगी। सुबह उठते के साथ ही मैंने पिया है एक गिलास पानी। उठते के साथ ही अच्छा है, अगर आप पानी पिए तो बहुत ही अच्छा है। चाय अगर पीना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बाद में अपने आप को उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि चलो एक छोटा सा मतलब एक इतना सा शुगर डाल के आपने पिया तो वो चल जाता है, मगर बाकी की चीज़ों में ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन इसी टाइप से चाय 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 होता है ना, वो दिन में 10 बार चाय पी रहे हैं, तो ये ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं चाय पीती हूँ, जब तक बारिश हो रही है तब तक देखती हूँ कितनी बारिश हो रही है क्या है, और अगर बारिश नहीं भी रुक रही होगी, हल्की हल्की भी हो रही होगी, इट्स ओके यार, मैं जा सकते हैं, अपने को एक्सक्यूज़ नहीं मानना है। तो मैं जस्ट वेट कर रही हूँ अभी कि कितना और, जब तक मुझे भी रेडी होना है चाय पी लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो अब मैं हो जाती हूँ पहले फटाफट रेडी। मैं जिम जब जाती हूँ या वर्कआउट करने जाती हूँ तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ये है मेरे जिम का बैग, जो कि मैं रात में ही इसमें जो मुझको डालना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, रात में ही करके रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह में अगर मैं एक दो काम है तो वो कर लूँ और उसके बाद में मुझे इसको बनाने में टाइम ना लगे। तो बस अभी फटाफट हो जाती हूँ पहले जिम के लिए रेडी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहले आप रेडी हो जाए अपना जिम का जो भी कपड़ा है, या आप जो भी आप अगर वॉक कर रहे हैं तो वॉक के जो भी ट्रैक शूज जो भी है आपका, पहले आप वो रेडी होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं तैयार हो जाती हूँ ताकि मैं रेडी हूँ और मुझे मेरा अंदर से ही मुझे समझ में आ जाता है कि मैं रेडी हूँ एंड आई हैव टू गो। साइकोलॉजिकल है ये, अगर आपने जिम के कपड़े पहन लिए हैं या अपने जो भी मैं बार बार बोल रही हूँ आप रेडी हो चुके हैं मतलब, तो सनस्क्रीन लगा के मैं ज़रूर जाती हूँ। चाहे कोई भी एक अच्छी कंपनी की आप सनस्क्रीन लेनी चाहिए और उसका SPF कम से कम 50 तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों की स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है ये। जो भी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे वो
मिनिमम 30 मिनट्स पहले होना चाहिए जिम के। ऐसा ना करें कि सीधा खाया और चले गए, या 2 मिनट पहले खाया या रास्ते में खाया और चले गए। उससे क्या होता है, हम लोगों की यहाँ पर और साइड में एक अचानक से पेन शुरू होता है। एक 30 मिनट्स का गैप ज़रूर देना चाहिए, वैसे तो 40 होता है पर आप 30 भी देते हैं तो चलता है। तो गाइस मैं अभी सीधा जा रही हूँ जिम और आपको मिलती हूँ वहाँ से। हाँ, उससे पहले मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं जिम जाने से पहले खाती क्या हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ थोड़े से ओट्स, जो कि बिल्कुल नॉर्मल पानी में गर्म करके, नॉर्मल जैसे हम लोग ओट्स को उबाल लेते हैं। कोई भी मेरे पास फ्रूट पड़ा है, आज मेरे पास मोस्टली मैं ओट्स बनाती हूँ नॉर्मल बिल्कुल, और उसमें ट्राई करती हूँ कि बनाना डालूँ, एक बनाना मैं डाल लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रोटीन का भी इस्तेमाल करती हूँ, जो अपने प्रोटीन शेक्स आते हैं तो मैं उनका भी इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों को अभी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, थोड़े टाइम बाद बोलूँगी मैं आपको। और अगर आपको लगेगा कि प्रोटीन लेना डिफ़िकल्ट हो रहा है या महंगा होता है, और आजकल तो ज़्यादा ही महंगा हो चुका है, तो मैं भी बहुत कम लेने की ट्राई करती हूँ, मगर मैं उतना ले भी हूँ कि जितना उसको चलाना चाहिए उससे ज़्यादा उसको चला लेती हूँ, क्योंकि मेरे भी बजट में नहीं आ पाता है। अगर आप लेने जाएँ बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, उसका जो है एक दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अंडा खा लूँ, या मैं जो भी प्रोटीन्स की चीज़ें हैं वो खा लूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खा लीजिए, सोयाबीन होता है वो खा लीजिए। मैं प्रॉपर डाइट बना के दूँगी, वेज और नॉन वेज वाला दोनों का, बनाना नहीं है, ख़त्म हो गया। तो आज मैं अपना ग्रोसरी पूरा शॉपिंग करूँगी ही। भैया लक्ष्मी मुंबई कितना हुआ भैया? 30 रुपये हो गए। 30 ये लीजिए। जिम खुल गया? खुला हुआ है कि बंद है आज? अभी खुला है। क्विकली अपना 1 घंटे में वर्कआउट ख़त्म किया है, और बस मैं वही बोलती हूँ, देखिए कितना टाइम लगा, 1 घंटा ही हम अपने आपको नहीं देते हैं, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। मेरे वर्कआउट से आप लोग बिल्कुल भी रिलेट मत करिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से करती हूँ, मुझे मालूम है कहाँ क्या करना है या वेट्स कितने लेने हैं। मैं थोड़ा सा हैवी भी करती हूँ, लाइट भी करती हूँ, पर जब मैं आप लोगों को वर्कआउट बताऊँगी तो बहुत ही एक लाइट वे में। अभी मैं जाती हूँ यहाँ से घर, और आज मुझे करनी है शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग। संडे टू संडे मैं करती हूँ, ताकि मेरा पूरा वीक, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। और अगर कुछ भी होता है ना, कुछ भी चीज़ ख़त्म हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पर हम ड्रॉप कर देते हैं, या वो चीज़ को स्विच भी नहीं करते हैं, मतलब हटा देते हैं अपनी मील में से, तो वो नहीं करना है। ग्रोसरी शॉपिंग एक ही बार करनी है, पूरे हफ्ते की लिस्ट बना के लेके जाइए, और जो जो चीज़ें हैं सब हफ्ते भर की अपने घर के अंदर ज़रूर रखिए। ये पहला रूल है फिट रहने का। तो मैं अभी कर रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, मैं नहा ली हूँ और फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल, और ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है। नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट है, 2 ब्राउन ब्रेड मैं खाती हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, और ये इसमें 4 अंडे बिना वो जो योक होता है ना पीला वाला, बिना उसके, और 1 अंडा फुल मैं लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा बॉडी को फैट भी मिले। तो और ये कॉफ़ी है, इसमें ना ही शक्कर है, कुछ भी नहीं है, खाली पानी को नॉर्मल उबालने के बाद थोड़ा कॉफ़ी डाल के मैं पीती हूँ। आपको अगर नहीं पीना है तो कोई बात नहीं है, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप लेमन टी पी सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, पर प्लीज़ चाय बार बार नहीं पीनी है। तो अभी मैं ये ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बहुत मुझे घर का काम करना है, अगर हो सकेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मुझे जाना है आज मार्केट, क्योंकि आज संडे है और मेरा भी काफ़ी हद तक सारा सामान ख़त्म हो चुका है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन बना लीजिए आप अपना, कि संडे को आपको पूरा सब कुछ ला के अपने घर में रखना है, ताकि
कोई भी मील स्किप ना हो, कोई भी चीज़ या कोई भी बहाना हम लोगों को चले ही ना, या किसी का इंतज़ार करना कि वो लेके आएगा तब मैं खाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना पूरे हफ्ते का एक होता है ना ग्रोसरी, फल, सब्जी, राशन, पूरा एक हफ्ते का ला के रखना है। और आप लोगों को क्या लाना है इस व्लॉग के बाद मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। जो एक नॉर्मल मैंने बोला था ना, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या खाना है आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना, उसमें मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से खाना है। वो सब लोगों के ऊपर जाएगा, एक होता है ना जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सब पे जाएगा। अभी मैं खा लेती हूँ अपना मील। दिस इज़ माई सेकेंड मील, ये मेरा दूसरा नंबर का खाना है जो मैं अभी खाने वाली हूँ। उसके बाद तीसरा लंच आएगा, फिर एक मील और लेंगे और फिर डिनर। ओके गाइस, तो मैं अभी हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और मैंने अपना सारा खाना भी, जो मेरे मील्स होते हैं जो मैं एक दिन में 5 बार खाती हूँ, वो मैं एक बार में ही सब बना के इस तरीके से डब्बों में डाल देती हूँ। क्योंकि अगर मुझे अचानक से कहीं बाहर जाना है, या डब्बे में रहता है तो नॉर्मली मैं गर्म कर लेती हूँ, या कभी कभी नहीं भी करती हूँ, या मुझे अभी मैं अभी मार्केट जा रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे पता है कि मुझे 1-2 घंटे से ज़्यादा शायद लग सकते हैं, और तब तक मेरा ये थर्ड मील जो है उसकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। और अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं कुछ भी बाहर खा लूँगी उल्टा सीधा, या भूख लगती तो इंसान मुझे देखता ही नहीं है, जो मिला वो खा लिया। तो कभी भी इस चीज़ को आप कैसे कैरी करेंगे कि ये बस एक कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से आपको आपकी टाइमिंग है। जैसे मैं तो अभी मार्केट जा रही हूँ, तो हर किसी का अपना अलग अलग रहता है ना, तो उस तरीके से कि हम कितनी देर में आएंगे, क्या है, अगर लगता है कि देर हो ही जाएगी तो अपना बाकी के जो भी इस तरीके से डिब्बे ज़रूर बनाएं और अपने एक बैग में उसको डाल दीजिए। क्योंकि एक एक करके आप वो खाते रहेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप हेल्दी खाएंगे। तो ये ही एक हेल्दी खाने का मतलब एक जो एक फॉर्मूला है ना, और एक ये जो मेरा फंडा है, तो बना लीजिए अपने भी डब्बे। और मैं जा रही हूँ अपना ये वाला डब्बा लेके लोखन वाला, वहाँ पे करते हैं शॉपिंग, और आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ भैया लोखन वाला मार्केट। तो आ गई हूँ मैं अब लोखन वाला मार्केट। संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा आज खाली खाली है सब कुछ, संडे के दिन खाली रहता है, नहीं तो ये मार्केट कभी खाली नहीं रहता है। तो ये लोखन वाला मार्केट में ही एक ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे मैं आई हूँ। मैं मोस्टली यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा सारा सामान भी मिल जाता है, और इसके बिल्कुल पास वाली जो दुकान है वहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब मिल जाते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग। मैंने कोशिश करी कि मुझे थोड़ा शूट कर दें तो ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकती, पर बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें लाते तो है ही ना, अगर वो लोग अलाउड नहीं करते हैं तो इट्स फाइन, मैं ले लेती हूँ सारा और मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत हो जाएगा मेरे लिए, पूरे वीक के लिए काफ़ी है। हाँ ये हैं अच्छे नींबू, ये भी यहाँ पे प्यारी सी कैट भी बैठी है, ये आपके यहाँ रहती है बिल्ली जी। हाँ तो हफ्ते के हिसाब से मैं ले रही हूँ, एक हफ्ते में मैं एक दिन में एक ही लेमन यूज़ करती हूँ, तो मैं कोर्स ये हफ्ते के हिसाब से ले लूँगी। यहाँ पे आप देखिए ये बेल पेपर है, ब्रोकली है, अगर हम ऐड कर सकते हैं इन चीज़ों को तो बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं ये सारी चीज़ें अगर मैं अपनी डाइट में ऐड करूँ तो। तो देखो ये 400 रुपये का एक किलो आता है, तो मैं उतना नहीं ऐड करती हूँ इन सबको क्योंकि है ना एक्सपेंसिव आ जाती हैं सारी चीज़ें ये, तो अभी नहीं ऐड करती हूँ। अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बजट में नहीं आती हैं ये चीज़ें। बनाना दिया कैसा है? 60 रुपये, 60 रुपये दर्जन है आपके पास? अच्छा ये महंगा नहीं है थोड़ा? हाँ गोल्डन किला अच्छा है हमारा। काय के लिए अच्छा है? गोल्डन किला अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपने घर अब पूरी शॉपिंग करके, जो भी मुझे चाहिए था फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं मेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। तो बहुत ही नॉर्मल सी वेजिटेबल्स हैं जो कि मैंने आपको जब मैं शॉपिंग कर रही थी तब भी मैंने दिखाया था, पालक है, खीरा है, शिमला मिर्च है, केला है, और नींबू है, फ्रूट्स में एप्पल है,
और ये पत्ता गोभी, गाजर, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ उनके बारे में। हाँ, राइस में ब्राउन यूज़ करती हूँ। आप लोगों को जब डाइट बताने वाली हूँ तो ऑफकोर्स ब्राउन राइस ही बताऊँगी, और ब्रेड भी बस ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ता है कि जितना भी जो वीट वाली चीज़ें हैं वो ही लें, तो मैं ब्राउन राइस यूज़ करती हूँ, ब्राउन ब्रेड। तेल का बहुत ध्यान रखना है, तेल हमको रिफाइन और एक होता है ना बहुत ऑयली, और इन सब चीज़ों से ही तो बचना है। तो बस थोड़ा सा ये सब खर्चा शायद आ सकता है, और आएगा तो उतना तो प्लीज़ करना ही पड़ेगा। तो ये तेल और काफ़ी दिन चल जाता है ये मेरा, मैं जब ये लेती हूँ तो आप यकीन करना, मैं अगर अकेले की बात करूँ तो मेरा ये कम से कम 4 महीना चल जाता है, क्योंकि इसकी 2 से 3 ड्रॉप ही होती है। फैट्स के लिए मैं चीज़ लेती हूँ येलो चीज़, जिसमें ज़्यादा फैट होता है, और नॉर्मल सा पीनट बटर है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसी तरीके से आपको भी बताऊंगी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैंने आज अपना मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से उस चीज़ को सेट करना है, मेरा कहने का वो मतलब है। तो आज जैसे संडे था, तो संडे को ये मैं पूरे हफ्ते का अपना सब कुछ लेके आ गई हूँ, सब फ्रिज में डाल दूँगी जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें डाली हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हर घर में रोज़ आती ही हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा, जो कि मैं अब आप लोगों के लिए डाइट बनाने वाली हूँ, और अगर होगा तो उसके अंदर ही एक्सरसाइज भी बताऊँगी। अगर लंबा व्लॉग हो गया तो डेफिनेटली उसके आगे वाला व्लॉग एक्सरसाइज का होगा। तो ये इतनी नॉर्मल सी, इतनी एक साधारण सी चीज़ें मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, और इनको दिखाने की मुझे ज़रूरत थी। क्यों पता है? क्योंकि एक बच्चा भी अगर होता है ना छोटा, और हम उसको पहले पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, फिर लिखना सिखाते हैं, बस ये वही सब है, वही समझ लो आप। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूँगी, और कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी व्लॉग्स बनाऊँ आपके लिए, ताकि आप इसमें फिटनेस के अंदर जल्द से जल्द आ जाए। और हाँ, एक और बात, ऊपर वाले ने आप लोगों को बहुत खूबसूरत बनाया है, आपने खुद अपने आप को बिगाड़ा है, ये मैं हर व्लॉग में बोलने वाली हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, टेक केयर, बाय।